नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल टेक्निकल इंटरेक्ट। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपका प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है तो आप क्या करें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे HP LaserJet 1020 प्लस है, जो कि अगर प्रिंट का कमांड आप देते हैं तो आप प्रिंट नहीं करता, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अगर आप भी जानना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, अभी हम लोग इसमें प्रिंटर के प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पे स्टार्ट पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल, या अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको क्लिक करने के बाद सेम ऐसा ही विंडो आपको विंडोज 7 में भी ओपन होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हार्डवेयर एंड साउंड के नीचे, व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। सिंपली क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने प्रिंटर्स हैं सब इंस्टॉल्ड हैं। तो इसमें हमारा जो प्रिंटर हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है यहाँ पर HP LaserJet 1020, या हमारा प्रॉपरली प्रिंट नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे। आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया है फिलहाल। तो आप रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि दोबारा से उस प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। अगर आप उस ड्राइवर को ऑनलाइन पाते हैं तो ऑनलाइन इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपके पास CD अवेलेबल है तो CD से इंस्टॉल कर लीजिए। अगर ऑनलाइन आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपडेट हो सकता है मिल जाए अपने प्रिंटर का। और अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी दोस्तों आपको करना क्या है, कंप्यूटर में जाना है। यहाँ पे आप हम लोग टाइप कर देते हैं कंप्यूटर, अगर आप डेस्कटॉप पे रखेंगे कंप्यूटर तो वहाँ पर चाहिएगा। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक कर देते हैं, सॉरी ये वाला नहीं ऊपर वाला है। और यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं मैनेज का ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, एक सर्विस एंड एप्लीकेशन नाम का आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे अभी आपके सामने दिख रहा है कंप्यूटर मैनेजमेंट में, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रिंटर स्पोलर्स, प्रिंटर स्पोलर आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रिंटर स्पोलर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डिसेबल पे, डिसेबल करके अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ऑटोमेटिक पे जाइए, फिर अप्लाई कीजिए, फिर स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद ऊपर वाले ऑप्शन पे चले जाइए, फिर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे फिर से जाइए ऑटोमेटिक करके, आप यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, फिर ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिस्टार्ट पे क्लिक कीजिए और आपकी सर्विस दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इसको क्लोज कर देते हैं और अभी हम लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम अभी नहीं सॉल्व हो रही है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने उस ड्राइवर के यानी प्रिंटर के ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लीजिए। कुछ इस प्रकार अपने कंट्रोल पैनल में चले जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मेरा HP LaserJet 1020 सीरीज़ है तो यहाँ देखिए यहाँ प्रिंटर का दिखा रहा है, यहाँ पे अनइंस्टॉल है, अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद आपका फोल्डर कुछ ना कुछ रह जाता है तो उसको आपको पहले प्रॉपरली डिलीट करना होगा। उसके लिए आप रीवा अनइंस्टॉलर प्रो का भी यूज़ कर सकते हैं, आप पेड वर्जन है आपके लिए, आपको कुछ पे करना पड़ सकता है जितना प्राइस होगा उसका सब्सक्रिप्शन का। और अगर आप नहीं पे करना चाहते तो आप यहाँ चले प्रोग्राम फाइल्स में, आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए HP के नाम से हम देखिए फोल्डर है HP LaserJet, यहाँ पे आप इस फाइल को इस फोल्डर को अगर वहाँ पे इंस्टॉल आप करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद ये फोल्डर कभी कभी नहीं डिलीट होता है, इस वजह से सारा डेटा इसमें पड़ा हुआ रह जाता है। तो आप इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके डिलीट कर देना प्रॉपरली। इसको डिलीट करने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद उसको डिलीट करके फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ व्यू में, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है। आप अगर विंडोज 7 यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फोल्डर एंड ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे चेंज फोल्डर एंड सर्च, यहाँ पे देखिए कई दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे आपको जाना है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर एंड ड्राइवर्स, यहाँ पे अप्लाई कर देना, ओके कर देना है। आपको फिर जाना है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़र्स पे चले जाना है। तो इसको यूज़र्स पे जाने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको आप रिमूव कर दीजिए इस प्रकार कुछ। देखिए यूज़र्स पे हम लोग पहुँच गए,
यहाँ पे आपको हर्ष विश्वकर्मा यानी कि मेरा होल्डर यहाँ दिख रहा है, यानी कि मैं इसी यूज़र से अपना पीसी चलाता हूँ। यहाँ मैं डबल क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आपको ऐप डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐप डाटा में आपको रोमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, रोमिंग पे आपको यहाँ पे प्रिंटर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रिंटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे सर्च कीजिए अपना प्रिंटर 10-20। मैं यहाँ पे 10-20 ही डालने वाला हूँ सिंपली, क्योंकि उसी मॉडल से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सर्च होने में थोड़ा समय लगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें को प्रिंटर देखने को नहीं मिला है, तो हमारा एकदम एक क्लियर है कि हमारा प्रिंटर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। अगर आपका प्रिंटर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आपका फोल्डर जो होगा प्रिंटर का यहाँ पे शो करेगा ही करेगा, या कोई ना कोई फाइल ऐसे रिलेटेड फाइल होगी जो इससे शो करेगी। तो उसको आपको क्या करना है, सिंपली डिलीट करना है। सबको डिलीट करने के बाद फिर से रीइंस्टॉल करना है, सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है, और दैट्स इट गाइस। बस इतना ही करने के बाद आपका प्रिंटर प्रॉपरली वर्क करने ही लगेगा, 100% चांस है वह वर्क करेगा ही करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जल्दी जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।